अस्सलाम वालेकुम एंड हाई एवरीवन। तो आज मैं चिकन एंड वेजिटेबल स्टफिंग की रेसिपी लाई हूँ। ये समोसे की स्टफिंग है और बहुत ही आसान है। इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें मैंने एक छोटा लाल प्याज इस्तेमाल किया स्लाइस किया हुआ, दो हरे प्याज के छोटे प्याज लिए हैं स्लाइस किए हुए। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, जिसे मैंने लेवल किया हुआ लिया है। हरी प्याज मैं यहाँ 2 बड़ी चम्मच ले रही हूँ बारीकी से कटी हुई। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, आपको जैसी अच्छी लगे उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लीजिएगा, और या हरी धनिया भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। ये कुछ लोग नहीं पसंद करते तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए प्लीज़ स्किप ना करें। गाजर ग्रेटेड 1/2 कप है, या शिमला मिर्ची हमने 1/2 कप इस्तेमाल किए, जो कि मैंने मीडियम साइज़ की कट कर लिया, ज़्यादा हमें थिक नहीं रखनी है। और यहाँ चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड है, जो कि 1 कप है। चिकन को नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट में डालकर बॉईल किया हुआ है और फिर इसे श्रेड कर लिया है हमने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और यह काले मिर्च मैंने 1 छोटी चम्मच इस्तेमाल की है। तो अब हमने 1 कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डालकर प्याज को थोड़ा नरम कर लिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 30-45 सेकेंड्स तक भून लेने के बाद हम इसमें गाजर डाल के 15 सेकेंड तक भून लेंगे। फिर इसमें हम शिमला मिर्च, चिकन और हरी मिर्च डाल रहे हैं, मिक्स कर ले। उसके बाद इसमें नमक डाल दे, मिक्स कर ले थोड़ा 15-20 सेकेंड्स तक। फ्लेम ऑफ कीजिएगा। अब बचा हुआ प्याज, हरा प्याज, हरी धनिया और काली मिर्च डाल दें और ये हमारी स्टफिंग रेडी है। ध्यान रहे आपको स्टफिंग को ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का क्रंच वेजिटेबल्स में होना है। अब हमने ये सब स्टफिंग को थोड़े समोसे में भी स्टफ कर लिया है और इसे अब हम करने वाले हैं ट्राई। ये बहुत ही क्विक एंड टेस्टी स्टफिंग है समोसे के लिए, और ये कर रहे हैं हम ट्राई। तो आप लोग भी इसे बनाइएगा जल्दी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।